अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:40 हो रहे हैं सुबह के। तो अभी अभी मैं उठ गया हूँ, तो अभी फ़िलहाल रेडी वगैरह होना है। तो पहले रेडी वगैरह हो लेते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं और चीज़ों का अभी खुराक वगैरह अभी से अभी डाल दूंगा। सुबह 5 बजे तकरीबन 5:45 अभी से खुराक डाल देंगे चीज़ों को। अभी चीज़ों को भी डाल देते हैं और लग रहा है जैसे हल्की हल्की ना धुंध धुंध सी है फिज़ा में आ रहा दुआ दुआ। ये भी पता नहीं सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, सो ही रहे हैं तकरीबन। चले इन्हें अभी पानी वगैरह भी डाल देते हैं। अज देखो मैं कितनी जल्दी आ गया जी, अज देखो जी हैं। तो अज मैं पा चला इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह वापसी से आके डालेंगे, ठीक है ना। चलो किसी ने पानी वगैरह पीना है तो पी लो, पानी वगैरह भी डाल दिया मैंने। अभी चलता हूँ मैं जाके तैयार श्यार होता हूँ। चलिए जी गाइस, फाइनल कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, तैयार श्यार हो गए हैं, तो अभी चलते हैं जी। चलिए जी गाइस, अभी आप सोच रहे हो कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो आपको पता चल ही जाना है कहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं, तो आगे जाके बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और लोग निकल चुके हैं नमाजों के लिए और अपनी वाक वगैरह करने के लिए। सर्दी भी पड़ी है फिर भी लोग निकले हुए हैं और जो रिक्शे वाले वो भी निकल चुके हैं अपनी रोज़गार की तलाश में। ये सामने रिक्शे वाला भी आ रहा है। अभी फ़िलहाल पेट्रोल मैं देख रहा था कितना है, तो पेट्रोल तकरीबन मुझे लग रहा है फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। तो उससे आगे का पेट्रोल फिर बाद में फैसलाबाद से डलवा देते हैं। आगे मुझे लग रहा है धुंध है, ये आगे खुली फिजा है यहाँ पे और जहाँ पे धुंध भी बढ़ गई है। तो बस होप फॉर द बेस्ट। इधर अभी से धुंध स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा शदीद है नज़र ही नहीं आ रहा आगे, पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। अभी फ़िलहाल यहीं पर इतनी ज़्यादा धुंध हो गई, अभी हम घर से घर के करीब ही हैं। अरे भाई आगे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अभी फाइनली फैसलाबाद रोड पे चढ़े ही हैं, तो हद निकाल जीरो। चक्कर इस साइड का पेट्रोल पंप है वो भी नहीं नज़र आ रहा, कितनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह ऑन की हुई हैं। अभी गाइस मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अंदर से नज़र नहीं आ रहा, और अभी इस तरह देख के गाड़ी चला रहा हूँ कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा ना इस डिवाइडर का पता चल रहा है। बहुत ज़्यादा आज फोग होगी जिस हिसाब से धुंध है यहाँ पे, तो पेट्रोल मैं यहीं से डलवा लूँगा। तो पता करें कब तक हम फैसलाबाद पहुँचेंगे, तो कहीं ये वाला पेट्रोल भी ना ख़त्म हो जाए। तो अभी मेरे पेट्रोल पम्प आ ही गया है, तो यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, नज़र भी नहीं आ रहा और पेट्रोल पम्प भी आ गया। पेट्रोल वगैरह डल चुका है, तो अभी मैंने गाड़ी इसके पीछे लगा ली है, जिधर ये जाएगा मैं भी उधर ही जाऊँगा। अब बस ये कि यूँ ना ले जाए और फैसलाबाद तक जाए, तो इसके पीछे पीछे चलते हैं। इधर हो गया है कोई एक्सीडेंट, तो बंदा पीछे खड़ा था उसने बता दिया, और ट्रक चढ़ गया ऊपर। बचत हुई गई है कि नहीं, इस तरह का अभी तकरीबन हमें घंटा हो गया तो रस्ते में यही धुंध है। फाइनली जी फैसलाबाद पहुंच गए, तो यहाँ पे धुंध थोड़ी सी कम है लेकिन आगे थोड़ी सी है, कभी आती है कभी जाती है कभी आती है कभी जाती है। अभी थोड़ी सी मेरी आंखें खुल रही है। पेट्रोल भी दोबारा रिफिल करवा दिया, तो अभी हमें जाना है इस्लामाबाद। तो देखते हैं मोटरवेज खुली है कि नहीं खुली, क्योंकि जिस हिसाब से धूप पड़ी हुई है तो फैसलाबाद में तो खैर कोई नहीं है, आगे कहीं धूप ना हो। यहाँ पे तो सूरज निकला हुआ है, आगे पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। वैसे हद निकाह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं इतनी दूर आ गया फैसलाबाद, तो अभी मुझे याद आया कि मेरा वॉलेट जो है घर रह गया, तो उसमें मेरे पैसे भी थे, मेरा शनाख्ती कार्ड भी था और मेरा लाइसेंस भी था, तो वो घर ही रह गया। तो इतनी दूर आ गए हैं, तो मेरा तो फोपोट हो गया अभी यहाँ पे आके, तो अब वापस भी नहीं जा सकते। अब अल्लाह की सुपुर्द है इंशाल्लाह ताला। वैसे तो कोई पूछता तो होता नहीं है रस्ते में, अगर कोई पूछ ले तो फिर देखी जाएगी। आगे जो है दोबारा स्टार्ट हो गई है, ये सूरत आ रहा सामने, देखते आगे जाके मोटर में थ्री है कि बारह हाँ जी, धुंध काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अभी हम पहुंच गए कनार रोड एक्सप्रेस हाईवे पे। अगर यहाँ पे धुंध हुई तो इसका मतलब है कि मोटरवे पे भी होगी और मोटरवे बंद हो सकती है। तो सूरज तो वैसे निकला हुआ है तो धुंध भी चली जाएगी, लेकिन धुंध है यहाँ पे। मोटरवे फिलहाल बंद है यहाँ पे, तो लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी, तो
देखते हैं कब तक मोटरवे खुलती है। तो अभी फिलहाल हम खड़े हैं यहीं पे। देर अभी कोई टाइम हो चुका है तकरीबन, हमें यहाँ पे खड़े खड़े तकरीबन घंटा या आधा घंटा हो गया था, अभी तक मोटरवे नहीं खुली। पीछे से सूरज जो है काफी ज्यादा तपश दे रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी मोटरवे नहीं खुलेगी। पता नहीं 10 बजे खुलती है, कितने बजे खुलती है देखते हैं। तो या तो वापसी कर लेंगे या फिर आगे जाएंगे। अब यही है दो प्लान, देखते हैं क्या बनता है। लगता है खुल गई है कि नहीं, लग रहा है जैसे खुल गई हो। अगर गाड़ी आके कर लो। गाइस फाइनली मोटरवे खुल चुकी है, 10 तकरीबन 9:30 हो गए और मोटरवे खुल गई है। अभी हम पहुंच गए चकरी, तो यहाँ पे रुके थे, थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह डलवाना था, थोड़ा सा रेस्ट एरिया के लिए। तो अभी चलते हैं लाहौर, लाहौर गए थे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन रह गया कुछ 60-50 किलोमीटर, तो तकरीबन घंटे का सफर इंशाल्लाह ताला। चलते हैं इस्लामाबाद। सुबह से हम तकरीबन 6 बजे से चले हुए हैं, इसका टायर मेरे साथ उतर गया। सुबह से हम तकरीबन 6 बजे से चले हुए हैं, तो 8 बजे तक फैसलाबाद पहुँचे थे इतनी मुश्किल से। काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, आपने देख ली होगी। तो बाद में जो था मोटरवे बंद था, तो तकरीबन 9:30-10 बजे वहाँ से चले हैं। तो अभी 12:30 हो गए हैं, तो अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। घर से चले हुए हमें तकरीबन हो गए हैं तकरीबन 4 घंटे या 6 घंटे हो गए। नहीं, हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तो अभी फिलहाल मैं फातिमा से मिलने आया हूँ। फातिमा इधर मेरी तरफ देखो, तो सो क्यों रही हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या जो मिलने आए हैं। हाँ फातिमा, फातिमा, ओ फातिमा, हाँ ऐसे ही, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये कपड़े कहाँ से लिए इतने प्यारे प्यारे? चलिए जी गाइस, अभी चलते हैं हम वापस। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बज गए, तो जाते जाते हमें रात हो जाएगी, तो धुंध का खतरा है। तो ये पीछे एरिया है, तो इस एरिया में हम आए थे। तो अभी फ़िलहाल हमारी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, तो अभी चलते हैं। तो माशाल्लाह ने भाई को बेटी दी थी, तो उस बेटी से मिलने के लिए आए थे। सुबह आए थे इस्लामाबाद, तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी और धुंध इतनी ज़्यादा थी। तो अभी जो है इतनी तेज़ धूप है और गर्मी स्टार्ट लगना स्टार्ट हो गई घर के अंदर। अभी मैंने खिड़की खोली है ताकि हवा वगैरह आए, थोड़ी सी ठंडक वगैरह हो। तो बहुत तेज़ धूप है अभी इस टाइम। अभी शाम का नहीं पता कि धुंध होती है कि नहीं होती। तो ये क्या चीज़ जा रही है ऊपर, इतना बड़ा उसकी बॉडी है और नीचे छोटे छोटे से टायर है, और वो भी सीधी नहीं है। अभी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने वाला है जी। क्या मतलब आ चुका है, यहाँ से डलवा लेते हैं पेट्रोल। अभी हम पहुंच गए कलर का हार, तो गाड़ी में पेट्रोल वगैरह फिल करवा लिया। काफी खूबसूरत मंदिर है यहाँ का, तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो लें, क्योंकि गाड़ी चलाई है सुबह से। आज गाड़ी चला रहा हूँ, सुबह 5 बजे से उठा हुआ तकरीबन 5:30 से। तो बाद में फिर गाड़ी चलाई है, 6 घंटे आने को लगाए हैं, फिर 1 घंटा यहाँ पे बैठे हैं। अब वापस जा रहे हैं, तकरीबन माशाल्लाह लगेंगे 2-4 घंटे तो लगेंगे। अभी फिलहाल निकलते हैं अभी यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है यहाँ पे। अभी मेरा दिल कर रहा था यहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह खाने का, तो मैंने कहा अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। अंधेरे होने से पहले पहले ये कलर का हार हम उतर जाएँ, तो फैसलाबाद इंशाल्लाह पहुँच के वहाँ से देखते हैं कोई खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह। तो यहाँ पर मैंने कहा अभी चलते हैं, सफर जारी रखते हैं अपना। ये रोड है सबसे ज्यादा खतरनाक भी कह सकते हैं और गाड़ी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी वाले मौसम में ना गाड़ियाँ बहुत ज्यादा गर्म होती है। हमारी भी कई बार गर्म हो गया, हमने यहाँ पे खड़े हो गए थे साइड पे। आज तो फिलहाल सर्दी है, तो आज ऐसा कोई मसला इंशाल्लाह पेश नहीं आएगा, तो वो भी ठीक है हीट भी। फैसलाबाद हम पहुंच गए हैं, तो ये चेक करें कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ का, अंडरपास, कश्मीर अंडरपास है, क्या खूबसूरत मंजर है। मैंने तो ये दिखाने के लिए वीडियो ऑन की है, तो ये भी मैं क्या साथ ही बता दूं कि फैसलाबाद पहुंच गए। अभी भूख लगी है, तो थोड़ा सा खाते हैं यहाँ से कुछ चीज़ ले के। मेरा तो दिल शवामा वगैरह खाने को कर रहा है, तो अभी देखते हैं कहाँ से अच्छा शवामा मिलता है, वहाँ से लेके खाते हैं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह ताला समुद्री। शवामा ऑर्डर कर दिया, तो अभी 15 मिनट में आ जाएगा। फाइनली जी शवामा आ गया, तो अबू जी खाने लगे, तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं अभी खाता हूँ। चले जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए। तो अभी टाइम जो हो रहा है 8 बज रहे हैं, तो 8 बज रहे हैं सुबह
लगाएं आप 6 से 8 लगाएं, कितने घंटे हो जाते हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 घंटे, 20 में से तकरीबन 1 घंटा निकाल दें, तकरीबन 19 घंटे आज गाड़ी चलाई है। तो बस हो गई मेरी, ओए मेरी टांग भी नहीं सीधी हो रही, इसी पैडल से वो थ्रॉटल वगैरह था ना रेस वाला, तो ये मेरी टांग ऐसे ही हो गई, अभी ऐसे बड़ी मुश्किल हो रही है। चलो खैर अभी थोड़ी देर लगेगी तो थोड़ा पैदल सैर वगैरह करूँगा ना, तो अभी फिलहाल खाना खा लेते हैं। कहीं तभी टाइम जो हो रहा है तकरीबन 10 बज गए, तो अभी मैं सोने लगा हूँ, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई मेरे, आज सारी दिन है ना तकरीबन 14 घंटे गाड़ी चलाई है मैंने, तो अभी मैं जब सोने लगा हूँ लेट के, तो ब्लॉग वगैरह भी टेक करना था सुबह कराएंगे। अगर आपको आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लगा दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।